वेलकम तो डियर किड्स, वेलकम टू आवर मैथ्स चैनल मैथ्स का फंडा। तो इससे पहले बेटा हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल क्या होती है और उसकी और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन को उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये इससे पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे बेटा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, v इक्वल टू c, पकड़ के रख लो यार इसको। ठीक है, मैथ्स के जीरो अब बनेंगे हीरो, जो जिनके मैथ्स जीरो है बेटा अब वो मैथ्स में जो है बहुत ही ज्यादा बहुत समझ लो कि एकदम तेजी से वो प्रोग्रेस करेंगे। बस मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो बेटा देखो पहला क्वेश्चन है, पहला है x माइनस टू इज इक्वल टू सेवन, राइट। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको कहा था अगर हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने बनाना होगा वेरिएबल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब भैया ये वेरिएबल देखो यहाँ पे ये रहा ना वेरिएबल, इसको बनाएंगे मिस्टर अकेला, ये देखो अकेला रहेगा, बाकी सब कहाँ जाएंगे अदर साइड। और मैजिक बॉक्स देखो बेटा पकड़ के रखो, प्लस का है माइनस डिवाइड है मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। ठीक है, ये दो चीज दिमाग रख लो पूरा ट्रांसफर हो जाएगी यार। सेवन का सेवन, अब ये टू यहां पर आया बेटा, माइनस का है तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का टू, एक्स इक्वल टू नाइन आ गया ना, क्यों किया क्योंकि यहां पर सारे कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड में, सारे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू नाइन। अब ऐसे बेटा जैसे थर्ड क्वेश्चन है, जैसे मान लो बेटा इस सेक्शन में आपके जितने भी क्वेश्चन है, देखो मेरे ख्याल से कुल 12 क्वेश्चन है बेटा इस सेक्शन में, कुल आप चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन है। हाँ, देयर आर 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सेक्शन में बेटा कुल 12 क्वेश्चन है, 12 में से मैंने आपको केवल पहला तीसरा आठवां ग्यारहवां और बारहवां कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये आ गया बेटा तो बाकी पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, बाकी आप खुद बना लोगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्या है, सिक्स इज इक्वल टू जेड प्लस का टू। अब मैंने क्या कहा था, वेरिएबल होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, इसको राइट हैंड साइड में लाओ, जेड प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। अब इसको बनाना है मिस्टर अकेला, वेरिएबल को पकड़ो, वेरिएबल को ढूंढो। ठीक है, और उसको तोड़ तोड़ के मिस्टर अकेला बना दो, मिस्टर अकेला। वेरिएबल को पकड़ा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे जेड, वेरिएबल क्या होते हैं अंग्रेजी के लेटर्स। ठीक है, और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं नंबर, वेरिएबल होते बेटा, वेरिएबल के साथ बेटा नंबर भी कंटेन हो सकते हैं इस बार की, लेकिन वेरिएबल के कहलाते हैं केवल एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी बोलो यार अंग्रेजी का लेटर किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, जेड प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स यह आया ना बेटा, इसको बनाना है मिस्टर अकेला, ये सिक्स का सिक्स, ये टू प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा, तो जेड विल बी सिक्स में है टू माइनस किया फोर, ये आगे देखो। ठीक है, अब वैसे ही बेटा इसका एट वाला भी बनेगा, देखो कैसे बनेगा, 1.6 इंटू वाई अपॉन 1.5। क्या कहा था मैंने, लो यार कई तरीके हैं इसको करने के, मैं आगे आपको नए नए तरीके कराते रहूंगा। अब देखो यहाँ पे 1.6 अपॉन का 1, कैची गुणा कर दो यार, कैची गुणा यार, ऐसा करो अभी आप कैची गुणा समझोगे नहीं, अभी अगले एक्शन में आपको हम कैची गुणा सिखाएंगे। अब क्या करना है, पहले आपने देखो बेटा y का y अपॉन 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फोकट में लगा दिया 1, कोई टेंशन नहीं, देखो अभी इजी कर देंगे यार, टेंशन मार ले, मैं इजी करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। ये देखो ये किसमें है बताओ, ये क्या है आपका वेरिएबल, इसको बनाना है मिस्टर अकेला, ये किसमें है डिनोमिनेटर में ना, है कि नहीं है, डिनोमिनेटर का उल्टा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, तो यानी यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बेटा न्यूमरेटर में, वाई इज इक्वल टू इंटू कर लो मेरे भाई 1.6 का, देखो इसमें भी कौन सा छोड़ा
जीरो का जीरो, एट और सिक्स फोर्टीन का फोर, वन टू। अब देखो यहाँ पर एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद है, एक और एक, यहाँ से दो के बाद लग जाएगा 2.40, 2.40। अब ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ होगी बेटा, 2.40 यानी पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, भूल जाओ उसको। ये y = 2.4 आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, राइट है। अब इससे इसके बाद देखो बेटा, हम एक और क्वेश्चन कराते हैं इसका, जैसे मैं आपको कहा था सेकंड क्वेश्चन कराएंगे, 11th क्वेश्चन कराएगा बेटा। ध्यान से देखो इसको, फिर लिख लोगे आप लोग, लिख लेना। अब मैं कराना हूं कौन सा क्वेश्चन बेटा, 11th क्वेश्चन। देखो 17 + 60 = बेटा 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू को पकड़ो, वेरिएबल को पकड़ो, ढूंढो उसको और उसको तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के मिस्टर अकेला बना दो यार। ये देखो वेरिएबल पी है, 16 = 9/9, ये 17 प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। 16 = 17 बड़ा है, 17 में से 9 गया, 8 बड़े का साइन लगेगा, पी विल बी -8/6 आया ना, आ गया। चलो फिर अब इसको क्या करेंगे, 2 से कटेगा, 2 4 जाएगा, 2 3 जाएगा, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे बेटा, काट टूट के, काट टूट के। समझ में आएगा आगे का पढ़ेंगे बेटा। गुड बाय।